हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर की मीठी चटनी। ये चटनी बहुत ही टेस्टी होती है। इसको हम आलू का पराठा, सादा पराठा किसी के भी साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए दोस्तों, बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये चटनी बहुत जल्दी बन भी जाती है। मैंने 8 से 10 बड़े साइज का टमाटर ले लिया है। इसके बीच वाले जड़ को हम ऐसे ही काट करके निकाल लेंगे। सारे टमाटर के जड़ को हम ऐसे ही निकाल लेंगे। सारे जड़ को हमने काट करके निकाल लिया है, तो इसको हम बारीक काट काट लेंगे। ऐसे बारीक बारीक ही हम सारे टमाटर को काट लेंगे। बारीक काटने से टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है। अब हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई को हम गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो जाने के बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। मैंने 2 चम्मच जितना ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो जाने देंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें हम पंचफोड़न का तड़का लगाएंगे और इसको हम चटका लेंगे। तड़का चटक जाने के बाद इसमें हम एक हरी मिर्च, 10-12 लहसुन की कलियों को बारीक काट करके डाल देंगे और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे। गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे और चला लेंगे। चला लेने के बाद अब हम इसको ढक करके पकाएंगे लगभग 2 से 3 मिनट तक। से 3 मिनट तक हमने पका लिया है। अब ढक्कन को हटा लेंगे और इसको हम चलाएंगे। अब हमारे टमाटर गल रहे हैं, तो अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद टमाटर और जल्दी गल जाते हैं। अब हम इसको ढककर पकाएंगे ताकि जल्दी ये गल जाए टमाटर। इसको हमने 1 मिनट तक ढककर पकाया है। अब हम इसको चला लेंगे और गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। क्योंकि नमक डालने के बाद टमाटर बहुत जल्दी गलने लगते हैं और पकड़ने भी लगता है नीचे से, इसलिए हम गैस को लो फ्लेम पर ही रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं रखेंगे। अब हम इसमें कुछ मटर डाल देंगे। मटर डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हम इसको ढककर पकाएंगे लगभग 1 मिनट तक। 1 मिनट हो जाने के बाद हम ढक्कन हटा लेंगे और इसको हम अच्छे से चला लेंगे। मैंने गैस को लो फ्लेम पर ही रखा था। अब हमारी मटर लगभग 80% तक पक गई है। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डालने से चटनी का कलर बहुत अच्छा आता है, देखने में चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। अब हम इसको ढक करके पकाएंगे 1 मिनट तक। 1 मिनट हो गया है, तो हम ढक्कन हटा लेंगे और इसको हम चला लेंगे। अच्छे से चला लिए हैं, तो मैंने इसमें 1 कप जितना चीनी ऐड की है। आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा लेंगे, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम क्वांटिटी में ही लेंगे। हम इसको चला लेंगे। चीनी पिघल रही है। अब हम इसको थोड़ा देर और ढक करके पकाएंगे 1 से 1.5 मिनट तक। 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं, चीनी हमारी अच्छे से पिघल चुकी है, तो इसको हम अच्छे से चला करके 1 मिनट तक और पकाएंगे। लो फ्लेम पर ही हम ढक करके पकाएंगे 1 मिनट, ताकि हमारी जो थोड़ा सा है चटनी थिक हो जाए। देखिए, अब हमारी चटनी थिक हो गई है।
तो अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। गैस को हम बंद कर देंगे। दोस्तों हमारी चटनी अब बन करके तैयार हो गई है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो आप भी ज़रूर बनाइए और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर हम मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।